नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशीष राजेंद्र कुमार। और अब चर्चा करूंगा मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। जी हां, नरेंद्र मोदी के बारे में जितनी बातचीत की जाए उतनी कम है, क्योंकि पीएम मोदी की चाहे वो विदेशी दौरे की नीति रहे या फिर उनकी कार नीति, हर तरफ चर्चा का विषय बनी रहती है। लोग हमेशा इस चीज़ के एक्साइटमेंट में रहते हैं कि आखिरकार मोदी किस तरीके से लोगों का मन मोह लेते हैं, कैसे वो लोगों का दिल जीत लेते हैं, और जो विदेशी दौरे पर उनकी जो नीतियां हैं उसमें कैसे बदलाव किया है। आखिरकार बार बार विदेशी दौरे पर जाकर उन्होंने किस तरीके से, कह लीजिए, जो देश का नाम भारी देशों में रोशन किया है और साथ ही साथ भारत के साथ करने कई अन्य देशों को जोड़ के रखा है, वो किस प्रकार ऐसा कर लेते हैं। लेकिन एक चीज़ इस बीच ऐसी और है जो हट कर कहीं ना कहीं आपके सामने में जो पेश करने जा रहा हूँ वो खबर, वो आपको कहीं ना कहीं और ज़्यादा रोचक बना देगी और मोदी जी का और बड़ा फैन बना देगी। दरअसल वो मामला क्या है? मामला ये है कि जब नरेंद्र मोदी विदेशी दौरे पर जाते हैं तो इस बीच जब उनका विमान एयर इंडिया वन, जो कि प्रधानमंत्री का विशेष विमान है, वो ईंधन भरवाने के जाने की तकनीकी हॉल्ट के लिए रुकता है, तो उस समय वो होटल नहीं बुक करते हैं, बल्कि वो एयरपोर्ट में एक लॉज में ही रुकते हैं, वहाँ समय बिताते हैं जब तक तकनीकी हॉल्ट का कार्य चलता है। उसके साथ वो वहीं नहाते हैं, अपने कपड़े चेंज करते हैं, जो नित्यक्रिया के साथ जो कार्य रहते हैं वो सब कार्य वही करते हैं। लेकिन प्रोटोकॉल के तहत अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री जब कभी और तकनीकी हॉल्ट के दौरान उनका विमान रुकता है तो उस समय उनको होटल बुक कराए जाने की पद्धति है, उसके तहत ही मतलब होटल बुक करा के एक पीएम किसी देश का वहाँ ठहरता है। लेकिन नरेंद्र मोदी सादा जीवन और उच्च उचार जैसा एक धारणा को लेकर चलते हैं और वो ऐसा नहीं करते हैं, बल्कि एयरपोर्ट के लॉन्च में ही खुद को ठहराते हैं और वहीं रुकते हैं। वो उन्होंने ये परिभाषा बदली है कि देश का प्रधानमंत्री ऐशो आराम से नहीं बल्कि देश का प्रधानमंत्री कारनीति से भी जाना जाता है। ये मामला जब सामने आया, जब कल SPG संशोधन बिल की चर्चा लोकसभा में चल रही थी, तो उस दौरान देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात की जानकारी दी और कहा कि वो होटल बुक नहीं कराते हैं, जब तकनीकी हॉल्ट चलता है उनका विमान, जब ईंधन भरवाने रुकता है तो उस समय वो एयरपोर्ट लॉन्च में ही रुकते हैं। साथ ही साथ जब वो विदेशी दौरों पर जाते हैं तो उनके साथ जो स्टाफ होता है वो उनकी जो संख्या है वो 20% से भी कम रहती है। पहले क्या होता था कि पहले जब देश का कोई प्रधानमंत्री विदेशी दौरे पर जाता था तो उनके साथ गाड़ियों का जत्था चलता था, कई सारे कह लीजिए जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो उनके साथ रहते थे, कई गाड़ियां रहती। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी के साथ ऐसा नहीं है, जब वो किसी विदेशी दौरे पर जाते हैं तो उनके साथ एक ही कार रहती है जिसमें 4-5 उनके सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, टीममेट्स, और अकेले वो, और बस इसी के साथ वो पूरा दौरा करते हैं। तो ये पूरा मामला जब संज्ञान में आया, जब अमित शाह ने इस बयान को लोकसभा में बड़े जोर देते हुए कहा, उसके बाद लोगों की रुचि बढ़ने लगी कि आखिरकार ऐसा सच में है, तो उस हिसाब से ये चीज़ निकल के सामने आई। तो खैर, मोदी के मुरीद तो काफ़ी हैं देश में, लेकिन एक ये नया वाक्य जब सामने आया तो यकीनन कहीं ना कहीं 2-4 फैंस, या कह लीजिए काफ़ी तादाद में फैंस मोदी के बढ़ सकते हैं। खैर, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल इन खबर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।